यो मिल गया चोरी बिल। बेटी तू तो जन्म कुंडली जानने आई थी, पर इसमें तो कुछ नाम भी ठीक से ना दिख रहा। इसमें तो कुछ लिखा हुआ है पादा कौशिक। लो, जब लोगों को नाम आधा ही लिखवाना होता है तो नामकरण क्यों करते से? ताऊ, दिमाग को धक्का देके सोचो, कुछ तो याद आवेगा कि ये बर्तन कौन से कौशिक का है। बेटी, 7 बादाम रोज खाता हूँ, उसके बाद भी दिमाग को कितना भी धक्का दूं ना, फिर भी ना बता पाऊंगा कि यो कौन से कौशिक ने इस डिब्बे पे अपना नाम गुदवाया है। मैं जानती सब मुश्किल से, लेकिन कोशिश तो करो, आपकी इस मदद से मेरी चीची की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। मेरे चीचू का राज छुपा है इस नाम में, वो खुल गया तो मेरी चीची उस बुरी शादी में ना फंसेगी। तो प्लीज मदद करो ना, प्लीज प्लीज अंकल प्लीज। कौन है तुम लोग, किसकी बात कर रहे हो, कौन किसे धोखा दे रहा है? ये देख रहा है साली आ गई। देख बेटी, कोई भी इस गांव का बुद्धिजीवी ये ना बता पाएगा कि ये कौन से कौशिक जी का डब्बा है। अब तो बेटा एक काम कर, यो बिल ले ले और घर जा। हेलो ऋषि भाई, तने उस दिन लाग रहा था ना मैं हवा में बोल रहा हूँ, तेरी साली आज मेरे सामने से गई अलगपुरा में। तेरी साली को तेरे पर शक हो गया है? तो उस दिन भी मैंने उसको देखा था और आज भी। भाई मने ना सब याद आ गया है। मिठा थोड़ा कम रह गया है। वो के है ना भाई, लड़के वालों ने मिठास की कमी नहीं होनी चाहिए, हैं? तो इसके ध्यान रखना। अरे वो युवा बहुत बढ़िया है ये तो। ना ब्रिज अजी भाई साहब, देख भाई आपने कमाल कर दिया। हाँ ये तो है। बहुत 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 शुक्रिया जी भाई, आपने तो कमाल की लट्टे लगा दी। यशपाल काय का शुक्रिया है, तुमने भी तो मेरी बेटिया की शादी में मुझसे ज्यादा भाग दौड़ की थी है? फिर अमृता की बेटिया की शादी में मैं भाग दौड़ नहीं करता तो कौन करता है जी? देखो आगे कोई भी काम हो बेझिझक बोल देना, अरे ऐसी शादियां रोजाना थोड़ी होती हैं। अरे भाई साहब बहुत बहुत अच्छा। भाई छोरी सब पे अच्छा लागते है। चाची तो तेज बचा दो, बचा बचा। हेलो, हाँ के, हाँ तना आवाज ना आ रही कचेरी।
मारी बात समझ आ गई? शिलू? हाँ। बाहर बहुत शोर हो रहा था, तारी बात समझ ना आ रही थी। आई बोल। तन ने के लगा कि तू अगर छिपकली की पूंछ काट देगी तो वो शांत होके बैठ जाएगी। रिपावली, छिपकली बिना पूंछ के भी घूमती है। और तेरी ये दुर्गा जो है ना, ये छानबीन करते करते पहुंच गई है कचहरी तक। की बात कर रही से? ये जो हुआ है ना वो बता रही हूँ। बाप की चपेड़ खा के भी चैन ना पड़ा इस छोरी ने। ये बता कि जासूसी का कीड़ा फड़फड़ा रहा है। हाँ, जो बच्चे माँ बाप की डांट खाने से अगर माँ बाप की बात ना मान लेते तो ये धरती स्वर्ग ना बन जाती। शिल्लू? हाँ शिल्लू, पर गलती ना ऋषि की भी कम ना थे। अरे कितने दिनों से मैं उसे टोक रही थी कि अपनी प्यार की पींगे बढ़ाना जरा बंद कर दे, और किसी को पता चल गया तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। पर ना, ना इसने सुनी और ना उस पूजनी ने, और पहुंच गई खाने का डब्बा लेकर ऋषि के पास। और वहां आ गई तेरी वो जासूस थितकनी, चुरा के ले गई ऋषि का डब्बा और जाके बर्तन वाली से कुछ पूछताछ करने लग गई है। उसने कुछ पता तो ना चला? ऋषि के कुछ दोस्तों ने उसे वहां मंडराते हुए देखा है, और उन्होंने कहा कि वो ये कह रही थी कि अगर उसे इस डब्बे की सच्चाई ना पता चली तो उसकी दीदी की जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। इसका मतलब समझती है तुसी लो? उसे कुछ ऐसा पता चला है जो हमारे लिए ठीक ना से। अब ऐसा है कि इस बात का पता ना तूने लगाना है। भाई सच्ची दुल्लू, कि चीटी जितनी छोरी इब सूंड में घुस के काटने की तैयारी कर रही से। इसका तो इलाज करना पड़ेगा। है तो यशपाल का खून, मारी खुशियों पे तो रेंगेगी। ऐसा है शिल्लू, तेरी खुशियाँ नहीं मारे छोरे और मारे बहू की खुशियों को भी वो छीनना चाहती है। मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि इब तिलक करने आऊं भी या ना आऊं। ना ना, तू परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी सब। पर मैं यू सोच रही हूँ, इब जो शादी ने आगे खिसकाया तो कहीं हमारा पूरा प्लान ही चौपट ना हो जाए। चल मैं करती हूँ तने दोबारा फोन। हाँ ठीक से। तिलक हो जाएगा और देखते ही देखते शादी, और अब तक मैंने उस चंटे लेक्स का पता ना लगाया से, जिसकी वजह से हमारे जीजू जीजी ने धोखा देने वाले से। पहियों को ना डांट मार से ना, लगता है इब जेठ जी से कह के लोहे की बेड़ियों में बंधवाना पड़ेगा। तो बोल, के कांड करन गई थी अलगपुरा? मारी सहेली का फोन आया था और उसने तुझे और थारे वो आवारा दोस्तों को वहां की कचहरी में मटर गश्ती करते देखा से। चाची को बता दो ऋषि जी के बारे में ना, रिश्ता तो चाचा ही लेके आए थे। चाची पूरा मान के पापा से ना बोल दे कि मैं उनसे झूठ बोल के जीजू की जासूसी करने अलगपुरा गई थी। बाबा तो दोबारा मन ने घर से बाहर ना चलने देंगे। ना पाया मैं तो लाग रहे टायर, रुकते ना कभी। जबान क्यों रोक ली? बोल रही है कि जाऊं थारे बाबा को पोल पट्टी खोलने तेरी। ना 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 चाची, चाची अब बाबा से मत कहना। वो ना मैं टू बाई टू की मदद करने गई थी। अच्छा। उसे ना बड़ों के वकील बनना से, तो किसी ने हमें बताया था कि अलगपुरा में ना वहाँ बहुत अच्छा वकील है, वो वजहान जी। वो ना बहुत अच्छे से समझाते से, उन्होंने टू बाई टू को सब समझा दिया, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती से और कितने साल लगते से। चाची आप प्लीज बाबा को कुछ मत बताना। चाची प्लीज, मैं ना शिल्पा से लड़ाई भी ना करूंगी, लेकिन आप पापा को कुछ ना बताना। ठीक से, ठीक से, ना बोलती मैं। पर सुन, अपना दिमाग है ना, इधर उधर घुमाने की ज्यादा जरूरत ना है, वरना मन ने एक मिनट ना लगेगा अरे बाबा से सारी बात बोलने में। और तू जाने से मैं सिर्फ बोलूं ना, कर भी सकूं, समझी के ना? ये समझा रही है शीला? क्या बात है, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? कुछ ना जेठ जी, बस छोरी पढ़ रही थी तो मैं यो ही पूछ रही थी कि जो पढ़ रही से अच्छे से दिमाग में बैठ गया कि ना। हो
बैठ गया लागे है सॉरी। और फिर इम्तिहान ने दिनी कितने बचे हैं? बस चार। तो घर से बाहर ना जाए और यहीं बैठ के पढ़े, बस यो ही समझा रही थी मैं छोरी ने। हाँ बहुत सही है, समझ गई ना छोरी? शाबाश। इब चालू? हाँ। पढ़ छोरी पढ़। हाँ तने कुछ खाने पीने को चाहिए के? ना कुछ ना। ठीक है तू पढ़ ले, मन्ने कुछ काम भी है। वजाहत जी, ये कह रही है शीलू? अरे वजाहत जी तो ऋषि के बड़े साहब हैं। अरे ये दुम्बड़ वहां तक पहुंच गई, मरवाएगी ये छोरी किसी दिन। तूने उससे पूछा नहीं कि ऋषि के खाने का डब्बा चुरा के वो बर्तन वाली से क्या पूछ रही थी? अच्छा, ताकि उस फुसकनी ने शक हो जावे कि सारी गड़बड़ में मारा भी हाथ पैर से। तू जल्दीबाजी में आप तो फंसेगी, मन्ने भी फंसवाएगी। दुल्लू शांति रख, अब की बार मन्ने हिस्सा डराया से कि ईब जुबान ना नाचेगी छोरी। रे शीला, ये छोरी डराने और धमकाने से चुप होने वालों में से ना है, तू बड़े हल्के में ले रही है इसको। ए, जो अपने बाप के थप्पड़ से ना रुकी वो तेरे डराने से रुक जाएगी। ऐसा है शीलू, मैंने तो बड़ा डर लग रहा है। ऐसा करते हैं, ये जो शादी का जुगाड़ किया है ना हमने, इसे यहीं खत्म करते हैं। पागल मत बन दुल्लू, इतने साल बाद कोई मौका हाथ लग गया है जेठ जी ने मुक्की में बीचने का, और उस 3.5 फीट की छोरी से डर के मैं यू मौका जान लूं? हौसला रख, मन्ने लगता ना छोरी ने ज्यादा कुछ पता है, नहीं तो पूछताछ में कुछ तो सच जरूर बताती है कि ना। पर अपने बाप के आगे तो मुंह खोलने की सोचेगी भी ना, क्योंकि उसने पता से कि जेठ जी ने जो एक बार यो पता लग गया कि पढ़ाई करने की जगह आड़े उड़े डोलती फिरे है, तो अगले ही दिन उसने रवाना कर देंगे गाँव पे। ये पैसा है तू ना ये मेरे पे छोड़ दे। हाँ इस कांटे को ना जड़ से निकाल के फेंकूंगी, देखियो तू। बस ईब हमने यो ध्यान रखना से शादी होने तक छोरी ने और ज्यादा शक ना हो। चिंता ना कर, जान ना लेने वाली मैं इसकी। ये मतलब? तिलक वाले दिन इसे ऐसी गोली खिला के बीमार करूंगी कि ऋषि के पीछे घूमना तो बहुत दूर की बात है, ये छोरी अपनी चारपाई से ना उठ सकेगी, तू देख लियो। जी ठीक। सब फूट जाएगा बस। बेबी मासी किससे? बेबी मास की तरफ सारे गिफ्ट को ना अच्छे से गिन लेना, लड़के वालों को देने में कोई कमी ना रहनी चाहिए, क्योंकि लड़की वाले की तरफ से कोई भी गलती हो गई तो कोई माफ ना करे। जाओ। एकदम सही बात कही सुभद्रा तने। थैंक यू। ना मन्ने ना। मन्ने बोलिया कि शाम से पहले पहले मन्ने चाहिए। नहीं नहीं मन्ने पता ना है तुम कैसे भी एक मिनट। अम्मा मत जल्दी से तैयारी कर लो, लड़की वालों के स्वागत में लड़के वाले तैयार नहीं मिलेंगे तो ना कट जाएगी। होगी मारी तो तैयारी।
अब कब तक देखती रहेगी ये सीसा? सुनिए ना जी, वो फोन छोड़िए ना जी, मारी बात सुनो। आ जाना मौका देख के भाई साहब से दुर्गा को भिवानी भेजने की बात कर लेना। हाँ, आपकी बात का मान रखना पड़ेगा भाई साहब को, आप इस घर के जवाई है ना। तू कतई टेंशन ना ले, मैं बात कर लूंगा। और भी कुछ कहना हो तो बता दे, मैं वो भी कह दूंगा उनसे। लेकिन लेकिन एक बात सुन, ये तिलक का जो प्रोग्राम है ना, ये निमट जान दे, उसके बाद मैं मौका देख के भाई साहब से बात कर लूंगा। ठीक है, खुश है? ठीक। दुर्गा की बुआ दुर्गा को हमसे दुर्गा की मानेगी के? बाबा चुनिए ना। यस पाल, जल्दी चल, ऋषि और उसके घर आड़े आते ही होंगे। हाँ, आता हूँ बस मैं। अच्छा जल्दी आ। के? बाबा चुनिए तो। ये तो वो पैसे हैं ना जो तने कपड़े लाने के लिए दिए थे। बाबा, माँ में जितना हुनर से, तुम्हारे में भी तो उनका अंश से ना, तो उनसे थोड़ा हुनर उधार लेके मन्ने भी अपना जुगाड़ लगा ही लिया। पैसों को खर्च करने की जरूरत ही ना पड़ी। मैंने माँ की पुरानी साड़ी से अपना ये सूट सिल लिया और अपनी शादी में भी खुद ही सिल के पहनूंगी। बाबा आप ये पैसे रख लो। भाई तू तो बहुत गुणी है, तू तो वाल से भी ज्यादा गढ़े अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े। भाई दुलारी जी और ऋषि तो बहुत भाग्यशाली है जो तू उनके घर जा रही है। क्या हो गया बेटा? बाबा मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ क्योंकि मरने आप जैसा परिवार मिला। बाबा मन ना बहुत भारी सा लग रहा से, सब ठीक से तो होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक से होगा। मेरी रानी बेटी ने तो हमेशा सबका भला चाहा है, तेरे साथ भला होने से कौन रुकेगा? चल अभी वो अपनी परेशानी इस कमरे में छोड़ दे और अपनी अगली जिंदगी में जाने की तैयारी कर। बस भी करो जी, आप दोनों के आंसू कहीं सिरसा में जमना ना बहा दे। बाबा मैंने सारे सवाल पूरे कर दिए। हाँ जा, जल्दी से तैयार हो जा, तेरे दोस्त भी आ गए हैं। हे हनुमान जी, कुछ ऐसा करो जिससे हमारी चिट्ठी की सगाई होने से पहले ही ऋषि जीजू का सच सबके सामने आ जाए। ये लो, बेटी की शादी करने जा रहे सो, बटन तक का होश न से। ओ हाँ, अन्नपूर्णा मन्ने एक बात खाई जा रही है। मन्ने बड़ी मुश्किल से दुलारी जी को मनाया है। मन्ने लग रहा है कि अमृता के बारे में ना उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, कि शादी के बाद अगर फिर से दोरा पड़ गया तो जिंदगी भर के लिए कहीं बात बिगड़ ना जाए। और मैं सोच रहा हूँ कि उनको ये बात मैं आज ही बता देता हूँ फोन पे।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।